वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जसी माता साहिब कौर जी दे जीवन बारे जानांगे। माता साहिब कौर जी का जन्म रोहतास झेलम निवासी भाई रामू जी दे घर माता जसदेई जी दी कुख तो 1681 ईस्वी नूं अमृत वेले होया। रोहतास शहर विच गुरु नानक देव जी ने अपनियां उदासियां समय चरण पाए सन, जे सदका शहर दा खारा पानी भी मिठा हो गया सी। माता साहिब कौर जी दा एक भरा भी सी जिसका नाम साहिब चंद सी। माता साहिब कौर जी बचपन तो ही सादगी अते गुरमत असूलों विच परिपक्क सन। आप जी बड़ी सुरीली आवाज़ विच गुरबाणी दा शुद्ध पाठ करके संगत नूं सुणाउंदे सन। आवाज़ विच मिठास, बाणी नाल प्रेम अते गुरबाणी दी शुद्धता करके संगतां आप जी का बहुत सतिकार करदियां सन। जदों माता जी 15 सालां दे होए तां माता पिता उन्हां दा वर टोलण की चिंता करन लगे। माता साहिब कौर जी का चित गुरु चरणा विच जुड़िया होण कारण उन्हां ने अपने आप नूं गुरु चरणा विच पाप श्री गुरु गोबिंद सिंह जी नूं समर्पित किया होया सी अते मन ही मन उन्हां नूं अपना पति परमेश्वर स्वीकार किया होया सी। उन्होंने ये गल अपने माता पिता जी नूं दसी। पोठोहार की सरबत संगत नूं जदों इस गल का पता लगा तो समूह संगत माता साहिब कौर जी अते उन्हां दे माता पिता समेत आनंदपुर साहिब गुरु चरणा विच हाजिर होए। सारी संगत ने गुरु जी के चरणा विच बेनती करदिआं कहा, गुरु साहिब जी, इस बच्ची ने अपना जीवन तुहाडे चरणा विच समर्पित किया होया है ते ये आप जी नूं अपना पति स्वीकार कर चुकी है। गुरु साहिब जी ने आख्या कि असी तां अपने गृहस्थी जीवन की मर्यादा नूं पूर्ण कर चुके हाँ, पर संगत की पुरजोर अपील अते माता साहिब देवा जी दे निश्चय अगे गुरु जी नूं झुकना पिया। गुरु जी ने एक शर्त उत्ते संगत की यह बेनती प्रवान की कि माता साहिब कौर कुआरा डोला बन के रह सकती है। उन्हां कहा, इन्हां नाल साडा संबंध शरीरक नहीं बल्कि आत्मिक होवेगा। उपरोक्त घटना तो तीसरे दिन गुरु जी ने माता जी नाल आनंद पढ़ा लिया। माता जी ने गुरु जी दे महल होण दा माण ना करदिया होया बड़े प्रेम नाल संगत दी सेवा करनी शुरू कर दित्ती। आप जी गुरु जी दे दर्शन किते बिना अन्न जल ना छकदे। इस प्रकार गुरु जी प्रति अपनी अत्यंत श्रद्धा ते प्रेम नूं प्रगट किया। जदों 1699 ईस्वी नूं विसाखी वाले दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब विखे अमृत का वाटा तैयार किया तो माता जी तो वाटे विच पतासे पवा के उन्हां नूं खालसे की माता होण दा माण बख्शिया। इसलिए पंज प्यारे अमृत संचार समय गुरु मर्यादा दृढ़ करवाउंदे समय दसदे हन, तुहाडे धार्मिक पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ते धार्मिक माता माता साहिब कौर जी हन। जदों गुरु जी ने आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया ते सरसा नदी के कंढे उत्ते परिवार विछोड़ा होया तो माता साहिब कौर जी ते माता सुंदर कौर जी भाई मनी सिंह आदि समेत दिल्ली पहुँचे। चमकौर की जंग विच वड्डे साहिबजादियां अते सरहंद विखे छोटे साहिबजादियां दियां शहीदियां होईयां। गुरु साहिब जी भी अनेक कष्टों विचों लंघते हुए तलवंडी साबो पुजे। दोवें पूजनीक मातावां भी इत्थे गुरु जी दे चरणां विच आण हाजर होईयां। जदों मातावां ने साहिबजादियां दे बाबत पुछया तां चोजी पातशाह जी ने सिखां नाल इशारा करदे होया फरमाया, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। उपरंत गुरु जी ने दक्षण देश की यात्रा आरंभी तो माता सुंदर कौर जी नूं तां भाई मनी सिंह जी नाल दिल्ली नूं रवाना कर दिता ते माता साहिब कौर जी गुरु जी दे नाल अफजल नगर हजूर साहिब पुजे। इस समय माता जी का टिकाणा गोदावरी के कंढे रमणीक थां उत्ते रहा जिथे हुण गुरद्वारा माता साहिब देवां स्थित है। इत्थे गुरु का लंगर माता जी की देखरेख विच तैयार हुंदा सी। अज तक इस स्थान उत्ते गुरु का लंगर अठे पहर अतुट चल रहा है। गुरु जी ने अपना अंतिम समा नेड़े जाणदे होए माता जी नूं दिल्ली जाण दा आदेश किया।
ते पांच शस्त्र श्री साहेब कटार जमदाड़ किरपान ते तीर बख्श के माता जी नू रवाना कीता। माता जी दा दिल गुरु जी तो पिछड़न बिल्कुल नहीं सी करदा, पर गुरु जी दा हुक्म मनदे होए दिल्ली ले रवाना होए। माता जी ने गुरु साहब जी वल्लों बख्शे शस्त्रां नू बड़े अदब सहित रखिया। श्री दशमीश जी दे सचखंड प्याना करण उपरांत माता जी ने बड़े सुचचे तरीके नाल पंथ की अगवाई की। जदों माता जी नू अपने अंतिम समय का अनुभव होया तो आपने इशनान किया, स्वच्छ वस्त्र पाए, नितनेम उपरंत गुरु चरणा विच जुड़ के अरदास की, हुक्मनामा लिया ते अपना शरीरक चोला छड़ दिता। ये घटना 1747 ईस्वी की है। आप जी का संस्कार गुरद्वारा श्री बाला साहेब दिल्ली विखे होया। आप जी का जीवन गुरसिखा लई एक आदर्शक रहनुमा ते दर्शन मार्गी सी।